हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैंने आपको यहाँ पे क्लासी बन हेयर स्टाइल बताया है, जो आज हमने इन्हें लुक दिया है, क्लासी लुक दिया है, उसके साथ मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है। काफ़ी सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको इसे बनाने में ध्यान रखने होंगे, क्योंकि देखने में काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ मतलब एक दो पॉइंट्स हैं, अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो बहुत ही ईजीली और काफ़ी आसानी से आप इस हेयर स्टाइल को बना लोगे। तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताई है जो कि आप किसी भी स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको वो ट्रिक भी पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बालों को ईयर टू ईयर सेक्शन कर लेना है। उसके बाद जो हमने अपने पफ के जो बाल थे वो सेपरेट कर दिए, और बाकी के जो हमारे नीचे के बाल हैं उनमें हमने एक पॉइंटेल करी। पॉइंटेल जो हमने करी है वो काफ़ी लो में नहीं है, ना ज़्यादा हाई में, मीडियम पॉइंटेल हमने करी है। आपने देखा है मैंने कहाँ पे पॉइंटेल करी है। तो इस तरीके से आपको अपनी एक पॉइंटेल कर लेनी है। उसके बाद आपको फ्रंट से अपना पफ जो है वो बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक मैंने सेंटर से सेक्शन लिया है, उसमें आपको बैक कॉमिंग करनी है। जो हमारा फ्रंट का सेक्शन होता है उसमें आपको जो बैक कॉमिंग है ना, काफ़ी संभाल के मतलब थोड़ा ध्यान से करनी है, क्योंकि जो हमारी बैक कॉमिंग है वो बालों को क्रॉस ना करे। आपके बाल की जो बैक कॉमिंग है वो आगे नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ बैक में होनी चाहिए। और स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे से आपको बैक कॉमिंग करनी है, इस तरीके से आपको सारे सेक्शंस में बैक कॉमिंग कर लेनी है। ये मैंने यहाँ पे ओवरलैप करके जो हमारी टेक्निक होती है पफ में, वो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। एक सेक्शन आपने मेरी पहले की वीडियोस भी देखी होगी, उसमें मैंने बता रखा है कि ओवरलैप सेक्शन कैसे होते हैं, तो आप अगर नहीं देखी है तो आप वीडियोज़ भी पहले देख लें तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने पफ में जो है बैक कॉमिंग कर लेनी है, और एकदम आप देख सकते हैं बैक कॉमिंग हो चुकी है, लेकिन फ्रंट में या आप जो है आपके ऊपर के बाल हैं उनमें बिल्कुल भी बैक कॉमिंग विजिबल नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, और अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ करते हुए अपने बालों में इस तरीके से फिर आपको निकालनी है लेयरिंग्स। लेयरिंग करने के लिए क्या है, मैंने दोनों साइड से ना एक यूपिन का यूज़ कर दिया, बालों को होल्ड कर दिया दोनों साइड से इस तरीके से, जो आप देख रहे हैं यूपिन लगा दिया मैंने, और फिर एक एक करके हम अपनी लाइन्स क्रिएट करेंगे। लाइंस क्या है, आपको हल्का सा बालों को टिप से पकड़ना है, ऊपर की साइड को स्प्रेड करना है और यूपिन से उन्हें होल्ड कर देना है इस तरीके से। और जो मैंने यहाँ पे लाइंस जो निकाले हैं वो काफ़ी पास पास नहीं निकाले, थोड़ा सा उनमें गैप देके निकाला, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा लुक डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पास पास करके उनमें लाइंस नहीं निकाली, थोड़ा सा गैप दिया है। और फिर हम स्प्रे का यूज़ करेंगे। स्प्रे का जो यूज़ है आप वो ऊपर से ना करें, साइड से आपको स्प्रे करना है, ऊपर से स्प्रे आप बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऊपर से आपको स्प्रे करना नहीं है, नीचे साइड से करना है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं स्प्रे का हम यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बालों को होल्ड करके और साइड से यूपिन जो हमने सपोर्ट के लिए लगाई थी वे हटा के इसे पिनअप कर देना है। यूपिन से पिनअप कर सकते हैं आप, बॉबपिन से भी कर सकते हैं। पहले आप यूपिन से कर दें, फिर उसके बाद बॉबपिन लगा दें, क्योंकि अगर डायरेक्ट बॉबपिन लगाओगे तो बॉबपिन थोड़ी सी टाइट होती है, तो उस वजह से बाल जो है हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपने फ्रंट में हमने सिंपल लुक दिया है, प्लान लुक दिया है, क्योंकि हमारा जो आज लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लान ही लुक दिया है फ्रंट में। आपको फ्रंट में भी जो है बालों को अच्छे से एकदम कॉम कर लेना है, फिर उसके बाद थोड़ा स्प्रे करना है आपको, स्प्रे से जो भी आपके फ्रीजी हेयर है उन्हें सेट कर देना है, फिर आपको कॉम करके बालों को पीछे लेके जाना है। बालों को अच्छे से होल्ड करते हुए आपको पीछे की साइड को सेट कर देना है, और उसके बाद सेट करने के बाद आप उन्हें दोबारा से स्प्रे करोगे, और इस तरीके से बालों आपके जो है बिल्कुल भी फ्रीजीनेस नहीं होनी चाहिए। फ्रंट से जो बाल है बिल्कुल आपके बैक में जाने चाहिए, कोई भी जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं वे भी आपको फ्रंट में नहीं दिखने चाहिए। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ, जो कि आप किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपको इस तरीके से बालों को अपने हो ऊपर करना है, कहीं किसी भी स्टाइलिंग में आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक रबर बैंड लेनी होती है, सिंगल रबर बैंड, उसमें दोनों तरफ से बॉबपिन निकालनी है। उसके बाद आप बॉबपिन लगा के क्या करोगे, बॉबपिन लगा के बालों को ऊपर होल्ड करा, और इस तरीके से जो आपने देखा मैंने इस तरीके से बालों के ऊपर उसे दोनों साइड से बॉबपिन लगा के उनमें रबर बैंड में उन्हें पिन अप कर दिया। मतलब ये रबर बैंड जो हमारे एक तरीके से बाउंस का काम करती है। अगर आप जहाँ पे अगर हमने ऊपर पॉइंटेल करी होती
क्योंकि ज़्यादातर जो हम यही करते हैं कि हम पॉइंटेल हमें अच्छा थोड़ा सा हाई बन चाहिए तो हम ऊपर पॉइंटेल करेंगे, पॉइंटेल ऊपर कर दी, लेकिन आपकी जो रबड़ बैंड होती है ना वो दिखती रहती है और जो ये एक बाउंस जो आ रहा है ना बालों में उठ के एकदम से, ये बाउंस नहीं आता बन में, वो हमारा इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमारी सिंपल रबड़ बैंड होती है और बाल जो है रबड़ बैंड के बाद फिर में नीचे की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। तो अगर हमें थोड़ा सा उनमें बालों में बाउंस ज़्यादा देना है तो हमें इस तरीके से रबर बैंड को बॉपिन में लगा के और इस तरीके से बालों को ऊपर होल्ड करके उन्हें पिनअप कर देंगे। इस तरीके से जो है हमारी रबर बैंड भी नहीं दिखती और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एकदम उसमें बाउंस आता है। तो उस तरीके से यहाँ पे हमने ये ट्रिक यूज़ किया, आप ये किसी भी स्टाइलिंग में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली अपने बालों को कॉम करके, बालों को थोड़ा सा स्प्रेड करके और यहाँ पे पिनअप कर दिया नीचे की साइड। तो एक लेकिन आपको थोड़ा शेप का ध्यान रखना है, गोलाई आनी चाहिए बन में हमारे काफ़ी अच्छे से। तो और स्प्रे का यूज़ करेंगे, बालों को एकदम फ्लैट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये स्टाइलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, काफ़ी सिंपल और इजी स्टाइल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।